वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल विवेक शर्मा। कैमरा तो इसके लिए सबसे पावन भूमि, सबसे अच्छी भूमि, सबसे स्वच्छ है हमारा कामाख्या। मेरा जन्मभूमि में कामाख्या मंदिर आप सभी को मेरे चैनल में बार बार दिखाता रहता हूँ, तो इसलिए इस बार जो पिछले वीडियो में थोड़ा कैमरा का एक्सपोजर मिला नहीं था, इसीलिए इस बार जो कैमरा का पोजीशन है बहुत अच्छे से सेट कर चुका हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा निकॉन D3500 का कैमरा शूटिंग। अभी जो देख पा रहे हो ये हो रहा है, बिल्कुल भी जूम नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल वीडियो स्टेबल से मैं ये वीडियो अब शूट कर रहा हूँ। अभी वीडियो स्टेबल का भी आपको दिखाऊंगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा निकॉन D3500 का जूम टेस्ट। अभी ऊपर की तरफ देख पा रहे कि मेरा क्या कैमरा पर्सन ये मंदिर ऊपर की तरफ जूम कर रहा है। अभी आप देख पा रहे हो कि निकॉन D3500 से कितना जूम जाता है। तो ये अगर आप सोच रहे हो कि नया ब्लॉगिंग के लिए हम लोग चीज़ों को अच्छे से ले पाएँ, तो इतना ही मैक्सिमम जूम जाता है। तो निकॉन D3500 इसका वीडियो क्वालिटी इस बार आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में एक बार अच्छे से बताइएगा। तो आज का वीडियो शूट था इवनिंग के टाइम में, कामाख्या मंदिर का पूरा जितना मैं ले पाए उतना मैं ले पाए, लेकिन अभी हो चुका है शाम के 5 बजे। तो अभी देख सकते हो कि मंदिर के प्रांगण में बहुत सारा लाइट जल गया है। तो लाइटिंग कंडीशन में निकॉन D3500 का वीडियो शूट आपको इस बार कैसा लग रहा है? ये डे टू ऑफ कामाख्या टेम्पल का निकॉन D3500 का ये वीडियो शूट। आशा करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो शूट अच्छा लगता है, और यहाँ पे लाइटिंग कंडीशन के साथ भी ये वीडियो का डेमो आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में भी इस वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएगा। जहाँ तक मुझे पता लग रहा है कि अगर आप नया यूट्यूबर हो, आपको एक DSLR लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसका फैसला भी मैं आपको फाइनल में दे रहा हूँ कि हाँ ज़रूर आप अगर आप न्यू यूट्यूबर हो एक DSLR का सहाय आप ले सकते हो, कि काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल शो आता है और काफ़ी अच्छा लाइटिंग कंडीशन में भी ऐसा कामाख्या मंदिर का भवन आता है। तो आज के लिए बस इतना ही मैं रखता हूँ।